एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। अन्वेशास क्रिएटिविटी के सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ में एक ऐसा DIY ऑर्गेनाइज़र, जो अगर आपके घर में कोई भी पुरानी बेडशीट पड़ी हो, या फिर कोई भी पुराना कपड़ा पड़ा हो, कोई पुराना कर्टन हो, या फिर कोई भी आपके पास थोड़ा बड़े साइज़ का कोई भी पुराना कपड़ा है, तो आप उससे वो ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अक्सर ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं वो हम ऑनलाइन से परचेज़ करते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, और वही ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ आज, जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में है, यानी कि बिल्कुल एक रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें विद बेल बटन, इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसके लिए मैंने ली है अपनी एक डबल बेड की बेडशीट थी, उसको पहले मैंने आधा आधा करके कट कर लिया था दो हिस्सों में। अब एक हिस्से में से मैंने लिया है ये इतना बड़ा कपड़ा, ये डबल फोल्ड करके इसको भी मैं काट रही हूँ दो पीसेस में। तो अगर आपको इसका मेजरमेंट चाहिए, आपको बड़ा बनाना है तो आप और भी बड़ा कपड़ा ले सकते हैं, आपको छोटा बनाना है तो आप छोटा ले सकते हैं। मैंने फ़िलहाल जो इसकी जो लंबाई रखी है वो रखी है इसकी लंबाई 24 इंच, और जो चौड़ाई है वो भी लंबाई 21 इंच है और चौड़ाई इसकी 24 इंच है। तो आप लंबाई या चौड़ाई, आपको चौड़ा ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से रख सकते हैं, आपको लंबा ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं लंबाई चौड़ाई अपने पसंद के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में ले रही हूँ मैं एक ये पॉलीथीन। ये पॉलीथीन थोड़ी थिक वाली है लेकिन सॉफ्ट पॉलीथीन है, जो जिसमें हमारी जैसे साड़ियाँ वगैरह आती हैं, या फिर आप जब भी कोई भी बेडशीट खरीदते हैं या क्विल्ट वगैरह खरीदते हैं, तो इस टाइप की पैकिंग में हमारी बेडशीट्स या क्विल्ट या फिर साड़ियाँ वगैरह जो आती हैं, वो वाली पॉलीथीन मेरे पास घर पे ही पड़ी थी। टावल वगैरह जब आप खरीदते हैं तो टावल भी इसी टाइप की पॉलीथीन में पैक होकर के आती हैं, तो इस टाइप की अगर आपके घर में कोई पड़ी हो तो आप इसको ले सकते हैं। अब इसके चारों किनारे की जो मोटी वाली प्लास्टिक थी वो मैंने निकाल दी है, और ये जो मैंने कपड़ा लिया है इसमें एक तरफ से मैंने सिलाई कर दी है, यहाँ पर अंदर के साइड से फोल्ड करते हुए। और सिलाई करने के बाद में मैं इसके ऊपर रखूंगी, एक ही साइड से सिलाई करनी है फिलहाल हमें, बार तीन जगह से नहीं करनी है। अब जितना मैंने ये कपड़ा लिया है उससे लगभग 2 इंच छोटी मैंने पॉलीथीन ली है, साइड से दोनों मतलब तीन साइड से उसको छोटा देखना है, 2-2 इंच। उसके बाद में मैंने क्या किया है, नीचे प्लास्टिक को पकड़ते हुए इसको फोल्ड कर लिया है तीन साइड से। तो ध्यान रखें इसको प्लास्टिक को मोड़ते टाइम कपड़े के साथ में मोड़ना है, तो मैं चौड़ी पट्टी में मोड़ रही हूँ, और मैं दो ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी, तो एक बना रही हूँ मैं चौड़ी पट्टी फोल्ड करते हुए और दूसरे बनाऊँगी मैं पतली पट्टी फोल्ड करते हुए, और दोनों ही आपको अभी दिखाऊंगी। तो आपको अगर चौड़ी पट्टी वाला ऑर्गेनाइज़र बनाना है तो आप चौड़ी पट्टी वाला बना सकते हैं, और पतली पट्टी वाला बनाना है आपको जो ज़्यादा सुंदर लगे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो जब आपको ये फोल्ड करेंगे तो ध्यान रखना है कि प्लास्टिक खींचने ना पाए और अंदर का कपड़ा खींचने ना पाए, क्योंकि दोनों बराबर मात्रा में रहेंगे तब आपका ऑर्गेनाइज़र अच्छा बनेगा। और मैं इसमें जो ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ चौड़ी पट्टी वाला, उसमें डबल सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि ये देखने में थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर लगे। तो आप चाहे तो सिंगल सिलाई लगा सकते हैं, पूरी तरीके से ऑप्शनल है ये। और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें नई नई अपडेट के लिए, तो वहाँ पर मैं नई स्टोरीज डालती रहती हूँ। तो ये देखिए मेरा बन करके तैयार हो गया है, तीन साइड से मैंने फोल्ड कर दिया, और उसके बाद में ये इस तरीके से मेरा एक साड़ी ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से मैं इसमें जो जिप होती है वो नहीं लगा पाई, और ना ही मेरे पास कोई अभी टिच बटन वगैरह हैं। आप चाहें तो इसके अंदर टिच बटन वगैरह लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगाई है, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने एक इधर लगाई और एक बराबर में लगाई थी, तो ये देखने में थोड़ी सी सुंदर लगती है। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके
इस तरीके से यहाँ पर भी टिच बटन लगा सकते हैं आप, और चाहें तो जिप भी लगा सकते हैं। मैं जब लॉकडाउन ओपन होगा तब मैं लगाऊंगी। तो ये इस तरीके से आप साड़ी रखेंगे तो आपकी साड़ी सालों साल ठीक रहेगी। इसी के अंदर मैंने पेटीकोट और ब्लाउज करके पूरा पेयर रखा है, तो इसे ढूंढने में भी आसानी रहती है, आपको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, पूरी तरीके से विजिबल है। एक तरफ कपड़ा लगाया हुआ है, एक तरफ प्लास्टिक लगा है, तो बहुत अच्छा है। और इसमें मैंने तो एक ही साड़ी रखी है, आप इसमें दो या तीन साड़ी एक साथ भी रख सकते हैं। लंबे बनाने का एक कारण ये भी है कि अगर आप साड़ी या सूट को लंबाई में रखना चाहें तो लंबाई में भी रख सकते हैं, थोड़ा लंबा फोल्ड करके भी रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये मैं रख रही हूँ अपने थोड़े हैवी पार्टी वियर दुपट्टे, इनको स्टोर करके, और उसके बाद में भी इसमें काफ़ी जगह बची है तो मैं अपना एक सूट भी रख दे रही हूँ। और आप देखिए, इसमें मैंने प्लाजो और अपना कुर्ता दोनों रख रही हूँ एक साथ। और ये हैवी पार्टी वेयर सूट टाइप के जो होते हैं, ये आप डेली रूटीन में नहीं पहन सकते, तो इनको मैं स्टोर करके रख रही हूँ। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं, और रखने के बाद में आपको विजिबल भी होगा कि कहाँ पर कैसे रखा है। और इसको मैं डबल फोल्ड अगर कर दूंगी, चाहे नीचे के साइड में आप कर सकते हैं, चाहे ऊपर की साइड में अगर कर देंगे, तो इसमें अभी टिच बटन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहे तो वेलक्रो टेप भी लगा सकते हैं। वेलक्रो टेप एक साइड आप कपड़े के ऊपर टक कर दें, दूसरा आप ग्लू की हेल्प से, ग्लू गन की हेल्प से प्लास्टिक के ऊपर चिपका दें, तो आपका वेलक्रो टेप जो है वो भी बहुत अच्छे टिच का काम करेगा। और चाहे तो ये साइड में दो टिच बटन इस टाइप से लगा दें। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया है। और ये कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। आपको कैसे लगे ये ऑर्गेनाइज़र DIY, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक आपके कम आते हैं, लाइक ज़रा बढ़ाइए तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी, बी क्रिएटिव एंड बी सेफ एट योर होम। और मेरे वीडियो को लाइक करके जाइएगा।